नमस्कार, विख्यात फूड से मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छोले भटूरे की रेसिपी बताऊंगी, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। छोले भटूरे पंजाबी रेसिपी है, पर इसे खाते सभी लोग हैं, सभी को बहुत पसंद है। कोई भी एक्स्ट्रा सामान की जरूरत नहीं है कि बाजार से कुछ लाना है या क्या है, सिंपल घर के मसालों से ही इसे बता रही हूँ। आइए देखते हैं कैसे बनती है ये। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले ले लेंगे। यहाँ मैंने एक कप छोले लिए हैं, इनको मैंने 8 से 10 घंटे भिगो दिया है और इसको मैं अब कुकर में उबालती हूँ। छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये व्हाइट वाले चने लिए हैं, ये फूल के दुगने हो गए हैं। इनको खूब अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले कुकर में ये चने डाल लेते हैं और इसमें पानी डालते हैं। पानी इतना डालेंगे कि छोले अच्छी तरह इसमें भीग जाएं। 1/2 टीस्पून नमक, 1 पिंच खाने वाला सोडा डालते हैं और एक कपड़े में 1 चम्मच चाय की पत्ती लेते हैं। ये एक चक्री फूल है, इसे मैंने आधा कर लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये मैं ऐसे ही कुकर में डाल देती हूँ। 2 इलायची और 2 लौंग और ये 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, इनको भी डाल देते हैं। इस कपड़े में गांठ लगा लेते हैं जिससे कि ये सामान बाहर ना आए। इसे भी कुकर में ही डाल देते हैं। कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसे बंद करते हैं और इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। 2 सीटी तक हम इसे तेज गैस से पकाएंगे, उसके बाद 10 मिनट के लिए स्लो कर देंगे गैस। आइए जब तक भटूरे के लिए तैयारी कर लेते हैं। भटूरे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 किलो मैदा ले लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालते हैं और ये 1/4 टीस्पून चीनी डाल देते हैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और इसमें मुझे दही डालना है। दही की जगह मैं यहाँ पर दही का पानी डाल रही हूँ, मेरे पास ये रखा हुआ था इसलिए मैं दही का पानी डाल रही हूँ। आपके पास दही है तो आप दही डाल सकते हैं। आप 2 टेबल स्पून दही डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मार लेते हैं। इसका आटा बहुत टाइट नहीं लगाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा लूज लगाएंगे, हल्का सा ही ढीला लगाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी और डालते हैं, सादा पानी डाल देते हैं। इसमें अच्छी तरह गूंद के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आटा बहुत ही ढीला है। अब इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालते हैं, हाथ को चिकना कर लेते हैं ऑयल से और खूब अच्छी तरह से इसे 5 मिनट तक मलेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब इसे एक बर्तन में रखते हैं, हल्का सा हाथ में चिकनाई ले लेते हैं और इसमें चारों तरफ से चिकनाई लगा के ढक के रख देते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह रख देते हैं जिससे कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। इससे हमारे भटूरे बहुत ही बढ़िया फूले हुए बनेंगे। छोले उबल गए हैं, इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली थी और 5 से 10 मिनट के लिए कुकर को स्लो गैस पर छोड़ दिया था। उसके बाद गैस बंद कर दिया और कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया है। उसके बाद आइए कुकर को खोलते हैं। चने बहुत ही अच्छे गल गए हैं, इससे ये दालचीनी का टुकड़ा है ये भी निकाल देते हैं। ये जो हमने मसाले की पोटली बनाई थी ये भी निकाल देते हैं, क्योंकि मसाले की खुशबू चने में आ चुकी है, ये वेस्ट हो गई है। चने बहुत ही अच्छे गल गए हैं। चने को उठाकर चेक करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं, आराम से दब रहे हैं। हमें इतना ही पकाना है छोले को। छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 बड़ा प्याज ले लिया है, क्योंकि छोले केवल मैंने 200 ग्राम ही भिगाए थे, उसके हिसाब से 1 बड़ा प्याज है, इसे मैंने महीन काट के ले लिया है। ये 2 बड़े टमाटर हैं, इन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। नमक है, ये कसूरी मेथी है रोस्ट करा हुआ। 1 तेज पत्ता है, 1/4 स्पून किचन किंग पाउडर है, 1/4 स्पून गर्म मसाला है, 1.5 स्पून इसमें ये छोले का मसाला डाल देंगे। कोई भी छोले का मसाला ले सकते हैं।
और ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आइए छोले बनाना शुरू करते हैं। और ये छोले इसमें खाली कर लेते हैं। चाय की पत्ती डालने की वजह से छोले में कलर बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। गैस ऑन करते हैं और इसमें कुकर चढ़ाते हैं। कुकर में मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है। अब इसमें जीरा डालते हैं और ये तेज पत्ता डाल देते हैं। जीरा चटक जाए तो इसमें ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और इसके बाद ये 1 प्याज डाल देते हैं। प्याज को भूनकर ब्राउन कर लेते हैं। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक इसमें 2 हरी मिर्च, ये मैंने 20 से स्लिट कर लिया है, और इसे भी डाल देते हैं। इनका भी कच्चापन दूर हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें छोले का मसाला डाल देते हैं। किचन की गैस बिल्कुल स्लो ही रखिए। धीमी आंच में मसाले भूनने से छोले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें ये टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी ऑयल छोड़ने तक भून लेते हैं। ये कसूरी मेथी है, इसे भी डाल देते हैं। टमाटर से ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें छोले डाल देते हैं। सिर्फ छोले डालेंगे। छोले उबालते समय जो पानी निकला है उसे अभी हम यूज नहीं करेंगे। मसाले के संग छोले को भी भून लेते हैं। बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इस तरह से भूनने से। छोले भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये छोले का जो बचा हुआ पानी है वो भी इसमें डाल देते हैं। इसी भगोने मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। छोले को उबालते समय हमने नमक डाला था, इसलिए इसमें हमने जितना पानी बढ़ाया है उसी हिसाब से नमक डालेंगे। बहुत ही थोड़ा नमक पड़ेगा बाद में। अब कुकर बंद करते हैं और इसे 1 सीटी आने तक पका लेते हैं। कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, आइए इसे खोल लेते हैं। छोले गल के पक गए हैं। अब इसमें ये 1/2 चम्मच गरम मसाला मिलाते हैं। ये हरी मिर्च निकाल देते हैं। गैस पर 1 तड़का पैन रखते हैं। 1 चम्मच घी डालते हैं। घी गर्म हो जाए इसमें जीरा डालते हैं 1/2 चम्मच और गैस बंद करते हैं। अदरक के कटे हुए लच्छे हैं और ये देगी मिर्च। गरम घी में अदरक का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए हैं। भटूरे का आटा बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो गया है। थोड़ा सा हाथ में चिकना लेकर आटे को दोबारा से गूंध लेते हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं इसके। देखिए ऐसे। इन पेड़ों को ढककर रख देते हैं और 10 मिनट रेस्ट कराते हैं। पेड़े ने रेस्ट कर लिया है। आइए हम इनके भटूरे बनाते हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसे तेज गरम करेंगे। तेज गरम ऑयल में भटूरों को तलेंगे। किनारे से इसे पतला करते हैं। किनारे दबा लेते हैं। अब धीरे से ये भटूरा उठाते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं।
इसे दबा दबा के फुला लेते हैं। गोल्डन कलर आने तक भटूरा सेक लेते हैं और प्लेट में निकालते हैं। इसी तरह से एक और बना लेते हैं। अब दूसरा भटूरा भी इसी तरह डाल लेते हैं। गैस तेज ही रहेगी। इसे भी निकाल लेते हैं। कढ़ाई में किनारे की तरफ इसे टेढ़ा कर देंगे तो एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है ये निकल जाएगा। स्वादिष्ट छोले भटूरे तैयार हैं। इसे प्याज और चटनी के संग परोसिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।